हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेंसेज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉन्केव लेंस। एंड जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरह से, मतलब कि जिसका जो मिडिल पोर्शन का थिक होता है और जो ऊपर से कॉर्नर्स होता है वो थिन होता है। यहाँ से चौड़ा रहता है, यहाँ से सकरा रहेगा, ठीक है। और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, मतलब कि दबाता है लाइट रे को, ओके। और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है, ये मिडल में थिन होता है, ठीक है। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि लाइट रे को क्या डाइवर्ज करता है, ओके। सो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और इसका हम सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर पॉइंट को हमने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर। और देखिए अब आप इसमें क्या दो स्फीयर होंगे। अब देखिए एक इस सरफेस का क्या, एक ये स्फीयर कुछ इस तरह स्फीयर बनेगा और एक इस स्फीयर का हाफ स्फीयर का ये की स्फीयर बनेगा। सो मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस दो स्फीयर से बना हुआ होता है, इसमें दो स्फीयर होते हैं और जो दो स्फीयर है इनके इसका सेंटर पॉइंट भी क्या होगा, ये रहेगा सी। तो मतलब इनके बीच में क्या दो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे, एक सी वन है और एक सी टू है, ठीक है। और इन पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर को भी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ज्वाइन करा, तो उस एक्सिस को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस में हमें दो चीजें याद रखनी होगी, दो चीज समझनी होगी। जैसे देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है और उसके यहाँ से हम लोग ये गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होती है, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के सीधी निकल जाएगी, इंसिडेंट हुई और वो इंसिडेंट वो डेविएट नहीं होगी, वो क्या स्ट्रेट निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर में कोई भी लाइट रे क्या रहेगी, अनडेविएटेड रहेगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, इसमें लाइट रे अनडेविएटेड रहती है, ये डेविएट नहीं होगी, ये स्ट्रेट निकलेगी, ओके। और नेक्स्ट है, अब यहाँ पे दूसरा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो क्या लेंस रख रखकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मीट होगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास जाकर पास होगी तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, फोकस पॉइंट। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर मीट होगी और उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, फोकस। और मतलब कि सेकेंड वो क्या रहेगा हमारा, सेकेंड फोकस, क्योंकि इसमें दो स्पेयर है तो ऑफकोर्स इसमें फोकस भी दो होंगे, तो वो किस फोकस पे जाके इंसिडेंट होगी, सेकेंड फोकस पे, द एफ टू पर, ओके। सो हम यहाँ पे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस के एक बार एक कुछ टर्म्स देख लेते हैं। देखिए इसे कॉन्वेक्स लेंसेस आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पहला इंसिडेंट हुई तो वो किसी सेकेंड फोकस पे जाके मीट हो रही है, तो और इसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे देखिए अफकोर्स दो फोकस, अगर दो स्पेयर हैं तो वह अफकोर्स पर फोकस पर फोकल लेंथ भी क्या दो होंगी, तो एफ वन और एफ टू, और उतने उसी उतने मतलब इन सबके जो बीच में जो डिस्टेंस भी रहे इक्वल। और यहाँ पे जो टू एफ वन है वो क्या है, इस फोकस का डबल फोकस है, और यहाँ पे जो F2 है और 2F2 एफ टू यहाँ पे क्या है, F2 क्या है यहाँ पर जो 2F2 क्या है इसका डबल फोकस है,
और इन सब के बीच में हमें क्या डिस्टेंस इक्वली मेजर करके लेना है, ठीक है। अगर जितना सेंटर ओ से लेके F1 का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस F1 और 2F2 के F1 के बीच में ही रहेगा, और यहाँ पे जितना ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में जो डिस्टेंस है, वही से उतना ही डिस्टेंस के ना F2 और 2F2 के बीच में ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। तो हम देखेंगे लेंसेज में कि थ्रू हम कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके यहाँ पे कुछ पता ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई है और इमेज बनी, इमेज कहाँ पर और कैसी बनी ये बताएगा, डिस्क्राइब दिया है किया गया। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, और साइज क्या रहेगा, हाईली डिमिनाइज या पॉइंट से, मतलब काफी छोटा साइज मिलेगा, और नेचर ऑफ द इमेज क्या रहेगा, रियल है इन्वर्टेड। और नेक्स्ट है बियॉन्ड 2F1, अगर हम ऑब्जेक्ट को टू मतलब 2F1 के पीछे रखेंगे तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस F2 एंड 2F2 के बीच में, और साइज क्या रहेगा, डिमिनाइज मतलब छोटा साइज रहेगा, और नेचर क्या रहेगा, रियल रहेगा इन्वर्टेड। और अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखें तो हमें इमेज कितने कहाँ पे मिलेगी, 2F2, और साइज क्या रहेगा, सेम, और ये और उसको कैसी बनेगी, रियल बनेगी इन्वर्टेड। नेक्स्ट है जब हम ऑब्जेक्ट को F1 एंड 2F1 पे रखेंगे तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, 2F2 पे, और साइज क्या रहेगा, एन लार्ज, और नेचर कहेगा, नेचर क्या रहेगा, रियल इन्वर्टेड। देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखा तो हमें इमेज कहाँ पे मिली, F2 एंड 2F2, साइज क्या मिला, डिमिनाइज, ये इन्वर्टेड। इस पे रखा हमने, हम जैसे हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इससे कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करते जा रहे हैं तो हमें इमेज का साइज भी क्या बड़ा बड़ा बढ़ता हुआ मिल रहा है, और हमें इमेज भी इस तरफ को ही जाते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ मूव कर रहा है, इमेज भी इसी तरफ मूव कर रही है, और उसका साइज भी क्या बढ़ के मिल रहा है। ओके, अब ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके क्या है कॉनकेव, ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है हम ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने और यहाँ पर ये जो फोकस हमने कह दिया F1 दिस इज अवर F2 और ये 2F2, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया ऑब्जेक्ट किसके ऊपर, एट 2F1, ठीक है। ए बी पहले हमने लाइट रे एक प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट कराई तो वो कहाँ पे जाके मीट हुई, कहाँ फोकस सेकंड फोकस पे जाके जा सेकंड फोकस से पास हुई, और फिर हमने दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट कराई तो वो क्या रिफ्लेक्ट होकर सीधी निकल जाएगी। तो हमें क्या इमेज कहाँ पर मिली, इस पॉइंट पर हमें क्या यहाँ पे क्योंकि दोनों लाइट रे कहाँ पर मीट हो रही, इस पॉइंट पे, तो हमें इमेज कहाँ पे मिली, ए डैश और बी डैश। यहाँ पे के साइज प्रॉपरली नहीं है, बट जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा ऑब्जेक्ट की साइज से थोड़ा छोटा साइज रहेगा इसका, ओके छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट की साइज से। तो अब फिर हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के हमने यहाँ पे रखा F1 या F2 के बीच में, तो हमें जो इमेज मिलेगी वो क्या थोड़ी बड़ी साइज की मिलेगी, ठीक है, थोड़ी बड़ी साइज की मिली एज कंपेरिजन, जो ऑब्जेक्ट पहले वाले कंपेरिजन में इमेज बड़ी मिली ऑब्जेक्ट की भी कंपेरिजन। फिर हमने कहाँ पे F1 पे रखा, फिर हमने F2 F1 पे रखा, फिर हमने क्या F1 या 2F1 के बीच में रखा, फिर हमने फोकस पे रखा, तो हमें क्या इमेज काफी ज्यादा बड़ी मिलेगी, हाईली एनलार्ज्ड। तो हमने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ मूव करा रहे हैं, पहले हमने किस पे रखा 2F1 पे रखा, फिर हमने किस पे रखा 2F1 और F1 के बीच में रखा, फिर अब हम किस पे रखा F1 के बीच में फोकस पे ही रखा, तो हमें क्या इमेज का साइज ही बढ़कर मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट को भी हमने जैसे इस तरफ किसका मूव कर रहे हैं, हमें क्या इमेज का साइज ही बढ़ के ही मिल रहा है, बढ़कर मिल रहा है। ओके, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस की टेबल दी गई है,
ऑब्जेक्ट अगर हमने इनफाइनाइट पे रखा तो हमें पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, F1 पे, और उसका साइज क्या रहेगा, हाईली डिमिनाइज और पॉइंट साइज रहेगा, मतलब काफी ज्यादा छोटा रहेगा। और इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब कि वो खुद ब खुद मीट ना की गई हो, हम उसको हमने मीट कराया गया है, ठीक है। और इरेक्ट मतलब कि सीधी मिलेगी हमें, हमें क्या कॉन्वेक्स लेंस में क्या उल्टी मिल रही थी, पर हमें इस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में क्या मिलेगी, सीधी इमेज मिलेगी, ओके। और बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज कहाँ पे मिलेगी हमें, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। और ये साइज क्या रहेगा, डिमिनाइज में, तो छोटा रहेगा ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। और नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट, ये भी हमें सीधी मिलेगी। सो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। सो यहाँ पे रे डायग्राम को यूज करके यहाँ पे इमेज, सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखा गया, तो अब तो हमें कहाँ पे इमेज कहाँ पर मिली, F2 एंड 2F1 के बीच में, और ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज की हमें छोटी मिली है। और जब हमने नेक्स्ट है हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रखा, तो हमें इमेज क्या, इमेज हमें बड़ी मिली। तो हमें तो इमेज बड़ी, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हमने पहले इधर पे रखा, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा इस तरफ की तरफ इस तरफ मूव करा, तो क्या हमें इमेज भी क्या, इमेज भी हमारी इसी तरफ मूव करी, और क्या उसका साइज बढ़ता जा रहा है, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस से यूज करके हमें इमेज बनाई। यहाँ पे ये क्या कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा है, ओके। तो हमने एक लाइट रे कहाँ पर इंसिडेंट कराई, पैलेट प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या डाइवर्ज हो जाएगी, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डाइवर्ज होकर यहाँ पे निकल गई। फिर दूसरी लाइट रे को कहाँ पे हमने, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराई हमने, तो इंसिडेंट कराई तो वो क्या स्ट्रेट ऐसी निकल जाएगी। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों लाइटें मीट नहीं हुई, नहीं करी, पर जैसे हमने क्या इस इधर से हमने उसको पीछे तरफ बैक पीछे तरफ थोड़ा सा प्रोड्यूस करा लाइट रे को, तो वो कहाँ पे जाके मीट करी, फोकस पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइट रे के यहाँ पर दोनों क्या मीट करी, किस पॉइंट पे, इधर पे, तो हमें क्या यहाँ पे इमेज मिल गई। सब देख सकते हैं इधर पे क्या दोनों लाइट रे, जब हमने लाइट रे को बैकवर्ड थोड़ा सा प्रोड्यूस करा, तो हमें लाइट रे कहाँ पे, हमें कहाँ पे दोनों लाइट रे कहाँ पे मीट करती हुई मिली, इधर पर। तो हमें यहाँ इमेज कहाँ पे मिली, इधर A-V-, ठीक है। तो हमें हमें इमेज कैसी मिली, वर्चुअल इमेज मिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इमेज सीधी मिली, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमें क्या इमेज भी मिली। सो ओके, ये हमारा कॉनकेव लेंस के लिए रहा। लेंस मेकर, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए जो लेंस फार्मूला होता है वो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज किया जाता है। देखिए क्या है, एज वी हैव अ फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर, वी ऑल्सो हैव अ फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। दिस फार्मूला गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये हमें क्या इन तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकल लेंथ। और द लेंस फार्मूला एक्सप्रेस एज 1/v - 1/u = 1/f। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ। और नेक्स्ट है लेंस, द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर इन एनी स्पेरिकल लेंसेज। टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइंस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लेंसेज। देखिए जनरली क्या ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, बट हमें क्या इसमें साइन को प्रॉपरली लेना लेना पड़ता है, मतलब कि साइन क्या प्रॉपर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो कुछ रूल्स होते हैं उसके फॉर साइन साइन के लिए क्या था, फोकल लेंथ क्या रहे कॉन्वेक्स लेंस में, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में क्या हमेशा रहेगी पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस में रहे तो आप आंख बंद करके क्या पॉजिटिव ले लें, ओके। अगर कॉनकेव लेंस कॉनकेव में बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव, तो हमें क्या फोकल लेंथ को हमेशा क्या नेगेटिव लेना है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट शुड बी ए पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव लेंस वी हैव टू टेक नेगेटिव, ओके। सो यहाँ पर नेक्स्ट है
और जितने भी डिस्टेंस है वो सारे कहाँ से मेजर होंगे? ऑप्टिकल सेंटर से. ओके, जितने ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इन टर्म्स ऑफ लेंसेस. ओके, और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की रहेगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव. इंसिडेंट लाइट रे की जो भी इंसिडेंट लाइट रे की का तो साइन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव में रहेगी वो. और देखिए, जो भी चीज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट रहेगी वो क्या रहेगा? पॉजिटिव. और जो भी नीचे आएगी वो क्या रहेगा? नेगेटिव. अगर इमेज ऊपर बनेगी हमें इसको क्या लेना है? पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के. और अगर वो नीचे आ रही है नीचे बनेगी तो वो क्या हमें उसको नेगेटिव लेना है. ओके, और ऑब्जेक्ट के टर्म्स में भी. सो नेक्स्ट यहाँ पे मैग्निफिकेशन. देख, मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखिए, जो भी हमारी हाइट ऑफ द इमेज रहेगी उस वो जैसे हमने मान लीजिए कितना 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 6 है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना 2, तो हमें क्या इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा वो क्या है? 3. वो क्या आया? 3. तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो गया? 3. तो मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट है पावर ऑफ ए लेंस. सो पावर ऑफ लेंस क्या है? देखिए, इसमें पावर ऑफ लेंस में क्या है? इतनी कि इसमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लाइट रे को क्या कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है. ओके, एंड द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी. द पावर पी ऑफ अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय. सो यहाँ पे देखिए, मैथमेटिकली दिया गया है पी इज इक्वल टू 1/f. सो यहाँ पे यूनिट ऑफ पी क्या है? डिओप्टर. तो पी हमेशा पावर क्या हमें किसमें लेना? डिओप्टर में. और जो फोकल लेंथ हमेशा क्या इसमें लेनी है हमको? मीटर में. फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. अगर हमें फोकल लेंथ अगर हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो हमें पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना, उसके बाद हमें इस फॉर्मूला में यूज करना. ओके, सो नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डिओप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी. ओके, और देखिए, हमें जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या इसमें पॉजिटिव लेनी है. कॉन्वेक्स लेंस में उसकी पावर क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव. और कॉन्केव लेंस में हमें क्या लेना है? नेगेटिव. ओके, सो ये टर्म्स है.